वहाँ मेरे ख्याल से काम पता नहीं कहाँ तक पहुँचा है, मगर अच्छा एक ग्राउंड बनाया है, यारबुक का ग्राउंड है। परवेज साहब से मेरी बात हुई थी उसी के बारे में, पता नहीं परवेज साहब कहाँ चले गए, तो उसी के सिलसिले में उनसे बात हुई थी मेरी। और आज कुंगरूसा के ग्राउंड के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा, जहाँ इतने सारे ग्राउंड हमने डेवलप किए हैं, तो कुंगरूसा को हम पीछे नहीं रखेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों से वादा है, आज जो आप लोगों ने, क्योंकि मैंने देखा कि जिस वक्त भी फील्डिंग की बारी आ रही थी, तो शायद कहीं ना कहीं प्लेयर डर रहा था कि पत्थर पे बाउंस ना हो जाए, बॉल मुंह पे ना पड़े है। तो वो बैंड भी नहीं कर पा रहा था पूरी तरीके से। बहरहाल वीडियो साहब कितना इनको लगेगा पैसा? वीडियो साहब 5 लाख कह रहे हैं, मैं आप लोगों को 10 लाख दे दूंगा इनिशियली इस ग्राउंड के लिए, ठीक है। मेरे ख्याल से 10 लाख में, और पहले भी शायद 8 या 9 लाख हमने छोड़ा है, 10 लाख चल रहे फोकस में। हाँ, मैंने ओवरऑल आपके पास 23-24 लाख रुपया है, मैं समझता हूँ इसके बाद तो कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। हम कुछ बनते मगर हमारे पास ग्राउंड नहीं था। और इसके अलावा मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, जहाँ स्पोर्ट्स में आप लोग दिलचस्पी दिखाते हैं, क्योंकि अक्सर और बेशतर आपने देखा होगा कि काफी सारे MLAs ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिस वक्त मैचेस होते हैं वहां दिखते हैं, मगर इस माशरे के दो पहलू हैं, जहां आपको मेरे से कुछ उम्मीदें हैं, जहां आप ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा जो MLA हमारी उम्र का है या हम उम्र है हमारा और हमारी बात